आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। रघुवर, हेमंत और सुदेश में बखिया उधेड़ वॉर। अब भाजपा और आजसू में भी शुरू हो गई जुबानी जंग। सुदेश बोले, अब फूल वाले साहब से नहीं, गांव वालों से करेंगे दोस्ती। रघुवर का वार, पैसे वाले नेता से पैसे लेना, लेकिन वोट कमल को देना। हेमंत के बोल, भाजपा आजसू एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। आजाद सिपाही से राजीव की रिपोर्ट। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। देश की राजनीति में भी कई ऐसे मोड़ आ चुके हैं। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कभी साथ रहने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं, तो कोई एक दूसरे के खिलाफ वैंग बाण छोड़ रहा है। पहले तो झामुमो और भाजपा के बीच तीखे हमले हो ही रहे थे, अब भाजपा और आजसू भी एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। इशारों इशारों में ही सही, दोनों के बीच हमले तेज होने लगे हैं। बीते रविवार को सीएम रघुवर दास रामगढ़ में थे। उन्होंने इशारों में ही कहा कि यहां पैसे वाले नेता बहुत हैं, हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी पैसे लेकर आएंगे। पैसा ले लेना, लेकिन वोट कमल को ही देना। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को सुदेश महतो ने एक सभा में कहा कि अब फूल वाले साहब से नहीं बल्कि गांव वालों से दोस्ती करेंगे। इन दोनों का बयान एक दूसरे के खिलाफ था। इस बीच हेमंत सोरेन भी लगातार कह रहे हैं कि भाजपा और आजसू एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सरकार बनी तो सबक सिखाएंगे। कभी वो मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ भगाने की बात कह रहे हैं, तो कभी सुदेश महतो पर ये कहकर वार कर रहे हैं कि साथ साथ उन्होंने मलाई खाई और अब लोगों को भरमाने के लिए अलग होने का दिखावा कर रहे हैं। वहीं सुदेश महतो अब साफ साफ कहने लगे हैं कि बार बार झारखंड को बेचने वाले से इसका भला नहीं होने वाला। एक दूसरे पर हमलों का दौर यूं ही तेज नहीं हुआ है। सत्ता के दो चुनौतीपूर्ण दुर्ग से निपट चुकी पार्टियों में खासकर भाजपा अब अपने सबसे मजबूत दुर्गों में चुनाव लड़ने जा रही है। तीसरे और चौथे चरणों में जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां के पिच भाजपा के अनुकूल रही है। यहां जिन 32 सीटों पर पूर्व में चुनाव हुए थे, वहां 18 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। तो चुनाव के बाद दूसरे दलों के 6 विधायक भी कमल के पाले में आ गए थे। 32 में 8 सीटों पर भाजपा दूसरे स्थान पर थी। स्पष्ट है कि 60% सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, जबकि झामुमो और कांग्रेस को क्रमशः 4 और 2 सीटें हासिल हुई थीं। यहां झाविमो के खाते में 4 और आजसू ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मासस और माले को 1-1 सीट हासिल हुई थी। इन सीटों पर झाविमो के जीते हुए 4 विधायक पाला बदल कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बाद में कांग्रेस और झामुमो के 1-1 विधायक भी भाजपाई हो गए। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा ने अगले 2 चरणों के लिए 22 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन दिनों दलों के बीच चल रहे वाक युद्ध का कारण भी यही है। इस क्षेत्र में आजसू अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब है। वहीं झामुमो भी इन सीटों पर मजबूत पकड़ बनाना चाहता है। इस सब के बीच झाविमो के बाबूलाल मरांडी अलग जोर लगाए हुए हैं। वो व्यक्तिगत रूप से भाजपा, झामुमो और आजसू के नेताओं पर हमला तो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत जनाधार दिलाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। इन सबसे अलग कांग्रेस इस बार शालीनता का परिचय दे रही है। उसके स्थानीय नेताओं ने किसी पर भी व्यक्तिगत हमला नहीं बोला है। कांग्रेस के हमले राजनीतिक हैं। एक जमाना था जब शिबू सोरेन और उनका छामुमो बिहारियों को गंगा पार भेजने की बात कहते थे बिहारियों को तड़ीपार कर देंगे। लेकिन जब से लालू यादव के राजद से झामुमो की दोस्ती हुई है, तब से वो बिहारियों या बाहरियों को भगाने की बात नहीं करते। अब हेमंत सोरेन कहते हैं कि विरोधियों को वो छत्तीसगढ़ भेज देंगे। हेमंत सोरेन का सबसे ज़्यादा हमला रघुवर दास के खिलाफ है। वो हमला करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। वो बार बार कह रहे हैं कि 5 साल तक रघुवर दास ने झारखंड का विकास नहीं किया है, सिर्फ हाथी उड़ाया है। झामुमो के हमलावर होने का कारण लोकसभा चुनाव का परिणाम भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में झामुमो को करारा झटका लगा और वो दुमका से दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सीट पर हार गया। जबकि आज तक झारखंड में यही प्रचलित था कि गुरुजी की एक आवाज पर संथाल के मतदाता उमड़ पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान झामुमो अपनी परंपरागत सीटों पर भी पिछड़ गया था। भाजपा और उसकी तत्कालीन सहयोगी आजसू ने अधिकांश विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछले लोकसभा का चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर भाजपा का मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पिछले चुनावों में उसकी सहयोगी रही आजसू इस बार उसके साथ नहीं है। भाजपा की पिछली जीत में आजसू का भी अहम योगदान रहा है। दोनों दल इस बार अलग अलग चुनावी मैदान में हैं, इस कारण एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। तीसरे और चौथे चरण की कई सीटें ऐसी हैं जिनमें आजसू का प्रभाव अब भी बना हुआ है। आजसू का खुद का भी यह मानना है तीसरा और चौथा द्वार ही उसे बढ़त दिलाएगा। आजसू की बढ़त विपक्ष से कहीं अधिक नुकसानदेह भाजपा के लिए साबित होने वाली है। इस बार विपक्ष ने भी इन सभी सीटों पर मजबूत घेराबंदी की है। भाजपा ने तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में 20 विधायकों पर दाव खेला है। इनमें भाजपा के पहले के विधायक हैं और कुछ आयातित हैं। ये सारा खेल अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर है। झारखंड में ये बखिया उधेड़ वॉर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार या पार्टी को देखकर किया जा रहा है। जहां जिस पार्टी या उम्मीदवार की मजबूत पकड़ है, वहां उस पर दूसरे दल के लोग हमला कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक दल के लोग ये भी भूल जा रहे हैं कि कभी कभी साथ साथ गलबहियां करते थे, एक दूसरे की बातों पर तालियां बजाते थे। आज जुबानी जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे की नीतियों को गलत ठहरा रहे हैं। झामुमो और भाजपा का एक दूसरे पर हमला बोलना लाजमी भी है, कारण भाजपा ने 65+ का लक्ष्य रखा है। ये 65+ झामुमो का खिला भेदने के बाद ही संभव हो सकेगा। वहीं झामुमो भी इस बार अपना खिला बचाने और संख्या बल बढ़ाने को लेकर भाजपा पर हमलावर है। इस सब के बीच आजसू भी अपनी संख्या बढ़ाने को लेकर झामुमो कांग्रेस के साथ अब भाजपा पर भी हमलावर हो रही है। कुल मिलाकर ये सारा वॉर अपने समर्थकों में उत्साह भरने और विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए ही है। इनकी कोशिश यही है कि हमला के बाद उत्तेजना में कोई दल या नेता अपना आपा खो दे और उसका लाभ वे चुनाव में ले लें। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस Facebook पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।